ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माने में सल्ला रखा और मेरे पिताजी का नाम चिंगारअली है। हम यानी वो क्या बोलते हैं, शुरू से ही हम यानी पूजा पाठ करते हैं। और कहाँ के रहने वाले हो आप? हम इधर ही के जबलपुर के हैं, कटंगा रोड में मेरी दुकान है नारियल पानी की। अच्छा। और यानी शुरू से मेरी यानी पूजा पाठ में रुचि है और यानी पूजा पाठ करते हैं। घर में और कौन कौन हिंदू है? और घर में मेरा कोई नहीं, मैं अकेला। क्यों अच्छा लगता है ये धर्म आपको, ये बताओ जी? अब यानी शुरू से पूजा पाठ कर रहे हैं तो इसीलिए अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। मस्जिद में कभी नहीं गए? नहीं गए, कभी नहीं गए। कुरान भी नहीं पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा। आपके परिवार वाले? हमारे परिवार वाले कोई नहीं है। अब अभी अभी बताया ना, क्या क्या हिंदू धर्म में क्या क्या आपने पढ़ा है? धार्मिक पुस्तकों में क्या याद है आपको? हनुमान चालीसा क्या याद है? कुछ पढ़ा है मंत्र वगैरह कुछ? हाँ। कैसे पूजा करते हो आप बताओ जरा। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपका पूरा नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम वो क्या बोलते हैं, अल्लाह रखा लिखते हैं। क्या कर पढ़ाई कहाँ तक है आपकी? 8th तक की। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के जबलपुर के। प्रॉपर यहीं से? प्रॉपर कौन से स्कूल में? ये क्या बोलते हैं, शासकीय क्या बोलते गोकलपुर में पढ़े हैं। मेरा नाम अजीजुल हसन है और मैं जिला अशोकनगर चंदेरी का निवासी हूँ, मध्य प्रदेश का। मेरी सनातन संस्कृति में शुरू से ही आस्था रही है, जिस कारण मैं सनातन संस्कृति को अपनाने जा रहा हूँ। बचपन से ही मैं हनुमान बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ और बचपन से ही मैं जो संस्कार मिले हैं मुझे स्कूल से और सारी चीज़ों से, मैं कई सालों से संस्कृति को अपनाने का विचार कर रहा था। लेकिन जब से भगवान श्री राम की राम प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, तब से मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है काफ़ी, और इस कारण मैंने सनातन संस्कृति में आने का फैसला किया। आपके परिवार में भी हमारे पूर्वज हिंदू ही थे जो कि नहीं, आपके परिवार का बताइए। हमारे परिवार में तो नहीं अपनाया किसी ने सनातन धर्म, लेकिन मैं इसको जो है अपनाने जा रहा हूँ अपनी मनसा से। कैसे परिवेश रहेगा जब आप उज्जैन मुस्लिम रहेंगे, कैसे एडजस्टमेंट करेंगे घर में? ये तो सोच सोच की बात है। अब मान के चलिए एक घर में 4 सदस्य हैं, भाई बहन में भी मतभेद रहता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक तरीके से अगर उनको सही समझाया जाए तो क्यों ना मिल बांट के जो है रहा जा सकता है, ऐसा नहीं है। रहने वाले हैं, क्या करते हैं पढ़ाई? मैं MCA किया हुआ हूं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से, भोपाल से जी। मैंने MCA किया हुआ है, आगे भी मेरी जो है पढ़ाई जारी है। फिलहाल मैं प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था, अभी भी मैं जो है कार्यरत हूँ एक प्राइवेट कंपनी में। अभी फ़िलहाल तो मैं जबलपुर में ही हूँ और आगे जो है बाहर जाऊंगा। मूलता कहाँ के हैं आप? अभी आप मूलता मैं चंदेरी का निवासी हूँ, जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ आपका? यहाँ जो है मुझे धर्मसेना के माध्यम से मुझे पता चला, जो कि मेरी काफ़ी रुचि भी थी सनातन संस्कृति में, तो मुझे आना था और भगवान बाबा की कृपा हुई और मेरा यहाँ पे आगमन हुआ। मैं आज ही सुबह आया हूँ जबलपुर में जी। यहाँ कोई आपका रिश्तेदार? यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन हमारे जो धर्मसेना के प्रमुख हैं जो है योगेश अग्रवाल जी, उनके द्वारा जो है मैं संपर्क में आया और मैंने उनके अपनी मनसा जाहिर की और इस प्रकार मैं सनातन संस्कृति में आने जा रहा हूँ। वास्तव में धर्म परिवर्तन नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक ईसाई और प्रत्येक मुसलमान इनके पूर्वज कहीं ना कहीं हिंदू ही थे। आप इनका DNA टेस्ट कराओगे हिंदुओं से तो इनका DNA एक ही निकलेगा, हिंदुओं का भी इनका भी, तो पूर्वज हिंदू थे, तो ये धर्म परिवर्तन नहीं है, घर वापसी है। कि वास्तव में इन लोग ने, इनको खुद को आभास हुआ जब से 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला
की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जब से पूरे देश में सनातनी सुनामी लहर रही, सुनामी चल रही सनातनी, और उसी के प्रभाव में आकर इन दोनों युवकों ने काफ़ी सालों से इनके मन में इच्छा थी, बीज पनप रहा था सनातन का, इसलिए उन्होंने आज आके स्वेच्छा से धर्म सेना के माध्यम से घर वापसी करी है। हम सभी इनका स्वागत करते हैं। कोई भी ईसाई या मुसलमान जिनको लगता है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और हमको हमारे धर्म में घर वापसी करना चाहिए, तो हिंदू धर्म सेना उनको स्वागत करेगी। सम्मान जय श्री राम, भारत माता की जय। क्योंकि इसके पहले भी हम लोग कई लोगों की घर वापसी करवा चुके हैं, कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोगों को पता चला, इन लोगों ने हमसे कई महीनों से संपर्क में थे दोनों युवक कि हम लोग भी भैया घर वापसी करना चाहते हैं, हमारी भी आप घर वापसी कराइए, कई महीनों से संपर्क में थे, जिसका परिणाम स्वरूप आज हम लोग ने इनको यहाँ बुलाकर यहाँ पे पंडित अमित शर्मा जी के आशीर्वाद से। और एक चीज़ और मैं आप लोग को विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि बम्बई में जो स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती जी जो हैं उनके आशीर्वाद और उनके संपर्क के माध्यम से भी दोनों युवक आज जो है सनातन धर्म में वापस हो रहे हैं। जो बम्बई में निवासी है स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती जी, उन्हीं के आशीर्वाद से और प्रयासों से ये दोनों युवक आज घर वापसी करेंगे। इनका ऑफिशियली रिकॉर्ड भी आप दर्ज करवा रहे हैं? ऑफिशियली करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम लोग ऑफिशियली भी इनका पूरा प्रयास करेंगे कि ये कानूनन रूप से भी इनको मान्यता मिल जाए कि ये हिंदू हो चुके हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।